दोस्तों क्या आप जानते हो भगत सिंह जी के शव को दो बार जलाया गया था और क्यों? भारत में जब भी क्रांतिवीरों की बात की जाएगी उस श्रेणी में भगत सिंह जी का नाम सबसे पहले आएगा, जिन्होंने गुलाम देश की आज़ादी के लिए अपने संपूर्ण जीवन को देश के नाम लिख दिया था। न जाने दुनिया में हर पल कितने ही लोग जीवन लेते हैं और कितने ही लोग मरते हैं, लेकिन उनके बारे में सबको पता नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, जो मरकर भी अमर होते हैं। उनका नाम भी बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। उनका नाम लेने से ही हमारे जीवन में प्रेरणा उत्पन्न होती है। और ऐसे ही महान लोगों में से थे भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, भगत सिंह और उनके साथियों को अंग्रेजों ने जनता के डर के वजह से एक दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया था, यानी कि 23 मार्च 1931 के दिन। और उसके बाद उनके शरीर के टुकड़े कर उन्हें सतलज नदी के किनारे हुसैन बाला के पास जलाया जा रहा था। लेकिन जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, उनके शव को ऐसे बिना किसी रीति रिवाज के जलने देना देश के लोगों को अपमानजनक लगा, और फिर उनका अंतिम संस्कार देश के लोगों ने किया। दरअसल इस बारे में ये कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के अनुसार उनके शरीर के टुकड़े किए गए थे और उन्हें छुप छुप कर सतलज नदी के किनारे अपमान के साथ जलाया जा रहा था। लेकिन इस बात की खबर देशवासियों को लगी और उसी समय वहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। वहाँ की हालत और इतनी भीड़ देखकर अंग्रेज उनके शव को आधा जला छोड़ वहाँ से भाग गए। उसके बाद देश के लोगों ने इन तीन वीर पुरुषों की सम्मान पूर्वक शव यात्रा निकाली और उन तीन वीरों को लाहौर में रावी नदी के किनारे जलाया गया। तो दोस्तों इन्हीं कारण की वजह से कहा जाता है कि भगत सिंह के शव को दो बार जलाया गया था। वैसे कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि सच है। इसका वर्णन खुद सुखदेव के भाई मथुरा दास ने उनकी बुक मेरे भाई सुखदेव में किया है। तो दोस्तों आई होप कि सच्चाई आपको समझ आई होगी। भगत सिंह और उनके त्याग के लिए एक लाइक तो बनता है। भगत सिंह के बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट में बताइए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।